नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आज जो जम्मू कश्मीर का हाल है, ये किसने किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जम्मू कश्मीर को आखिर जलते हुए ही क्यों देखना चाहते हैं अलगाववादी नेता, इस बात पर हम कुछ बोले। उससे पहले कुछ बातें अलगाववादी नेताओं के बारे में जान लें। एक पुरानी कहावत के अनुसार, सरदार भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे यहाँ नहीं, पड़ोसी के घर। कुछ ऐसा ही अलगाववादी नेता कर रहे हैं। अपने बेटे बेटियों को तो विदेश में सेटल कर दिया है और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कश्मीरी नौजवानों को बरगलाकर कश्मीर को जलाने की बात कर रहे हैं और जलाते भी हैं, क्योंकि उनका परिवार विदेश में सुरक्षित मौज कर रहा है। अगर कोई मर रहा है तो मरे, हमारा परिवार सुरक्षित है और मौज कर रहा है। यही बात मूर्ख कश्मीरी नौजवानों को पता ही नहीं चल पा रही है। लेकिन अलगाववादियों की अब पोल खुलती जा रही है और इनके आजादी के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे अलगाववादी नेता दूसरे के बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश में चंदे से ऐश करा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने उन अलगाववादी नेताओं की लिस्ट जारी की है जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इन नेताओं में आसिया अंद्राबी से लेकर मीरवाइज उमर फारूक, हर कोई शामिल है। गृह मंत्रालय के लिस्ट जारी करने का मकसद हर उस कश्मीरी के आंख से पट्टी हटाने का है कि वो उन अलगाववादी नेताओं को पहचाने और इनकी बात न माने, जबकि खुद ये तय करें कि उनका मुस्तकबिल पत्थर चलाना नहीं और आतंकवाद फैलाना नहीं है, बल्कि पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी को जीना है। निसार हुसैन, वहीदत इस्लामी, बेटा और बेटी ईरान में रह रहे हैं, बेटी ईरान में ही नौकरी करती है और ये कश्मीरी युवकों को भड़काकर कश्मीर को जला रहा है। वही लिस्ट में जो दूसरे नेता हैं, उनकी भी करतूत देखिए। नेता बिलाल लोन, छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है। अशरफ सरहई, चेयरमैन तहरीके हुरियत। दो बेटे खालिद आबिद सऊदी अरब में बड़े पदों पर हैं। जीएम भट्ट, आमिर ए जमात, बेटा सऊदी अरब में डॉक्टर। अब जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो कश्मीर में महिलाओं को भड़काती हैं और महिलाओं को आतंकवादी भी बनाने का काम करती हैं। इनकी करतूत देखकर दंग रह जाएंगे आप। इनके ऊपर एनआईए ने भी छापा मारा था। नाम है आसिया अंद्राबी। आसिया अंद्राबी, संगठन का नाम दुख्तरान ए मिल्लत। अंद्राबी के दो बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में हैं। एक मलेशिया में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। कुछ और भी छोटे मोटे संगठनों की माल कुटाई का खुलासा गृह मंत्रालय ने किया है, जिनमें मोहम्मद शफी रेशी संगठन का नाम डीपीएम है, बेटा अमेरिका में पीएचडी कर रहा है। अलगाववादी नेता अशरफ लाया, संगठन का नाम तहरीके हुरियत, बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अलगाववादी नेता जहूर गिलानी, संगठन का नाम तहरीके हुरियत। गृह मंत्रालय की लिस्ट में कुछ बड़ी मछलियों के नाम भी हैं, जो खाते तो भारत की हैं, लेकिन गाते बजाते हैं पाकिस्तान की। चंदे के पैसे से अपने बच्चों की जिंदगी विदेश में सवार रहे हैं और यहाँ कश्मीर में दूसरे नौजवानों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इनमें एक जो बड़ा नाम है, वो है सैयद अली शाह का, जिनका दामाद और बेटा सऊदी अरब में एयरलाइंस में काम करते हैं। मीरवाइज उमर फारूक, हुरियत के चेयरमैन, बहन अमेरिका में रहती है। मोहम्मद यूसुफ मीर, संगठन का नाम मुस्लिम लीग, बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। आपको बता दें कि ये उन नेताओं की लिस्ट है जो अलग कश्मीर के नाम पर घाटी में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, युवाओं को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते हैं और देश विरोधी हरकतें करवाते हैं। ये वही नेता है जो अक्सर कश्मीर में बंद भी बुलाया करते हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इस वक्त इनमें से कई नेता नजरबंद हैं या फिर हिरासत में हैं। कई नेताओं को दी गई सरकारी सुरक्षा को केंद्र सरकार ने वापस भी ले लिया है। सरकार अब इनकी हरकतों को जनता के सामने लाने का काम शुरू कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर कश्मीर के युवा और कश्मीर के माँ बाप इन अलगाववादियों की करतूत को समझ पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं समझे तो इसी तरह इनके बच्चों की मौत और जेल होती रहेगी। इनके बच्चे विदेश में सुरक्षित ऐश करते हुए पढ़ाई करेंगे और अपनी नई दुनिया बसाते रहेंगे।